दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीएससी एंड एनएससी अड्डा में। आइए दोस्तों हम लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं आज के अपने इंट्राडे स्टॉक्स का और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है। आज का हमारा पहला स्टॉक था ग्रेनवेल्स का, इसे बाय करना था 332 पर, पहला टारगेट 334 का, और शॉर्ट सेल करना था 325 पर, पहला टारगेट था 323 का। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 331 पर और उसके बाद इस स्टॉक ने लो मारा था आज 322.85 का। तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक ने अपने शॉर्ट सेल साइड के पहले टारगेट को बहुत ही अच्छे से अचीव किया और एक अच्छी ट्रेड साबित हुई। और आज का हमारा दूसरा स्टॉक था सेंचुरी टेक्सटाइल का, इसे बाय करना था 671 पर, पहला टारगेट 675 का, दूसरा टारगेट 681 का। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यह स्टॉक ओपन हुआ था 672.75 पर और उसके बाद इस स्टॉक ने आज हाई मारा था 705.25 का। तो दोस्तों इस तरह से इस स्टॉक ने अपने बाय साइड के दोनों टारगेट्स को बहुत ही अच्छे से अचीव किया और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस स्टॉक में जिसने भी एंट्री ली होगी उसने निश्चित तौर पर ही बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो दोस्तों इस तरह से आज के हमारे स्टॉक्स में दोनों ही ट्रेड्स में आपको टारगेट्स अचीव हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि जिसने भी ट्रेड डाला होगा उसने एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट तो बुक किया ही होगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है। कल का स्टॉक रहेगा हमारा रिम का। आप चाहें तो अपनी इंट्राडे की ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं। इसे बाय किया जा सकता है 821 पर, पहला टारगेट 825 का, दूसरा टारगेट 831। अगर यही नीचे गिरना शुरू होता है तो आप इसे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 811 पर, पहला टारगेट 807 का, दूसरा टारगेट 801 का। और दोस्तों इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा 7 पॉइंट्स का। तो इस तरह से कल की हमारी इंट्राडे की ट्रेड रिम बाय 821, शॉर्ट सेल 811, स्टॉप लॉस 7 पॉइंट। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से ट्रेड डालिए, इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स को जरूर फॉलो करिए। रूल नंबर 1 मिनिमम प्रॉफिट, रूल नंबर 2 स्टॉप लॉस को जरूर लगाइए, रूल नंबर 3 ओवर ट्रेडिंग मत करिए, और रूल नंबर 4 अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप प्रॉपर ब्रेकआउट होने पर एंट्री लीजिए चार्ट को देखते हुए। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।